Hi everyone, welcome to the RM Public School at home e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, so I'm going to discuss about next topic is properties of 2D sets. Properties of 2D shape का मतलब यानी 2D means आप लोगों को already मैं बता चुका हूँ 2-dimensional होता है और 2-dimensional कहने का मतलब दो विमान ठीक है तो दो विमान वाले shape दो विमान वाले आकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे first और देखते हैं तो ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बाबू त्रिभुज ठीक है ये कुछ इसका शेप होता है इसमें तीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं एक ये और एक ये ऐसे इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं बी मान लेंगे इसको और इसको सी मान लेंगे ठीक तो ये इंटरसेक्शन को ये वर्टेक्स होता है ये भी वर्टेक्स ये भी वर्टेक्स इसको ए मान लेंगे बी मान लेंगे और सी मान लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में जानेंगे तो इसका पहला है अ ट्रायंगल हैज थ्री सेट्स एंड एंगल्स एंगल्स के बारे में अभी कुछ आप लोगों को बताया नहीं है और ना जानने लेकिन क्या लिख लीजिए मैं बता दूंगा एंगल्स क्या होते हैं ठीक है नेक्स्ट इट्स साइड में और मे नॉट Next, it has three corners. Yeah, vertices. ये तीन properties इसमें देखेंगे, ठीक है ना? तो पहला है three sides and angles. Three angles. इसकी बात क्या है जैसे कि थ्री साइड्स तो देखो वन वर्टिस टू अनदर वर्टिस ये है जॉइन करने वाला एक साइड ये हो जाएगा दूसरा साइड ये हो जाएगा आपका ये वाला और तीसरा साइड ये हो जाएगा ठीक है देखिए यानी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं बाबू तीन साइड जैसे ये एक साइड ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड तीन साइड से मिलकर एक ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मिंग होता है बनता है नेक्स्ट मैं बोला हूं इसी में कि तीन एंगल्स थ्री एंगल्स कौन कौन होते हैं एंगल्स जनरली आपको जानना भी नहीं है लेकिन खैर मैं बता देता हूँ कि जहां पे दो साइड्स आकर एक दूसरे से मिले जैसे एक साइड ये दूसरा साइड ये हो तो यहाँ पे बीच का जो गैप है वो क्या है बाबू एंगल फॉर्म करता है कोण बनाता है ठीक जैसे मान लो कि ये लाइनिंग है और इससे यहाँ से एक लाइनिंग इधर से ये कैसे आया और ये कैसे आकर मीट किया तो यहाँ पे जो ऐसे बना ये क्या होता है एंगल होता है क्लियर तो ऐसे ही इसमें एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा यानी कितने एंगल हो जाएंगे वन टू थ्री ठीक है इसके आगे अभी डीपली जानने की जरूरत नहीं आप लोगों को और एक सेंटर क्लास में होंगे और भी बढ़ोगे फिर इसके बारे में डीपली बताया जाएगा
नेक्स्ट इट्स साइड्स में, इट्स साइड्स यानी ये जो है साइड इसका एक दो तीन, ये थ्री साइड जो है इसके ट्रायंगल के में और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल मैं ये बनाया हूं, तो समझ करो ये दो सेंटीमीटर है, तो ये भी दो सेंटीमीटर, ये भी दो सेंटीमीटर, यानी सारे साइड दो दो सेंटीमीटर के हैं, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, यानी सारे साइड जब दो दो सेंटीमीटर के हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल के सारे साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समझ में, यानी ट्रायंगल के ऑल साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मेन कहीं हो सकता है कि कहीं ट्रायंगल हो, समझ करो ये है, ये ट्रायंगल है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो अलग अलग हो गया, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा हो गया, क्या तो कहा गया है कि ट्रायंगल में भी इट्स साइड यानी कि इसके भुजा बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एक ट्रायंगल का जो साइड होगा बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इक्वालिटी के आधार पर ट्रायंगल के अलग अलग, जैसे यू नो आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, आइसोस्केलर, स्केलर, ठीक है, इस प्रकार से बांटे जाते हैं, अभी नहीं बताना, आप लोगों को नहीं जानना है, बस इतना ही जानो कि ट्रायंगल के साइड्स जो होते हैं, त्रिभुज के जो भुजा होते हैं वो बराबर भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल समझो यानी सारे तीनों के तीनों जो होंगे, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक बहुत बड़ा होगा, या ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों छोटे बड़े वन डिफरेंस हो, यानी साइड सारे इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, यही बात है। नेक्स्ट इट हैज थ्री कॉर्नर्स अपने बॉडी से, यानी ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं बाबू, कोना, कॉर्नर का मतलब कोना, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है तो एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो इसमें कितने कोने हो गए, तीन, एक दो तीन, और इसी को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसलिए इसमें कितने वर्टेक्स हो जाएंगे, तो थ्री वर्टिसेस हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो होगा मेरा रेक्टेंगल, टू डी का पिक्चर्स का अगला जो पिक्चर है वो है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या क्या होते हैं ये ध्यान देंगे, रेक्टेंगल मान, ये रेक्टेंगल, ये इसके वर्टेक्स है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वर्टेक्स मींस कोना, तो ये कोना ए हो जाएगा सपोज करो, तो ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे हम लोग, रेक्टेंगल इसको हम बोलते हैं आयत, क्या बोलते हैं बाबू, आयत, ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, ए रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स, रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं बाबू, साइड मतलब भुजा, तो मान लीजिए एक भुजा, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा, ये चौथा भुजा, यानी एक रेक्टेंगल जो बनता है वो चार साइड मिलकर बनते हैं, फोर साइड्स, जैसे वन साइड्स, दूसरा सेकंड साइड्स, ये हो जाएगा थर्ड साइड और ये हो जाएगा आपका फोर्थ साइड, कितने साइड हो गए बाबू, चार साइड, एक साइड ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, फोर साइड्स हो गए, क्लियर। एंगल की बात किया जाए तो एंगल कितने बनेंगे, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल्स भी क्या होता है, एंड लिख सकते हो, एंड फोर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट्स अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, जैसे इट्स यही ना वो अपोजिट है ना, हाँ अपोजिट ही होता ही है क्या, होता ही
its opposite sides are equal. देखो अपोजिट साइड किसके कौन होते हैं, रेक्टेंगल में कौन अपोजिट होता है? अपोजिट का मतलब उल्टा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। समझ में आया? ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा। समझ में? तो चलते हैं हम फिगर में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मान लो यहां से यहां तक एक साइड होगा एबी, एबी साइड होगा ना, यहां से लेकर आपका यहां तक एक एबी साइड होगा, और ये साइड क्या हो गया, सी से लेकर डी तक सीडी साइड होगा ना, ये एबी हो जाएगा और ये सीडी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, ये वाला साइड का, ये वाला, तो ये आपका साइड क्या हो जाएगा एडी, और इधर वाले साइड क्या हो जाएगा, ये वाला बी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से, गुण से, उनके सामने वाले भुजा जो होता है यानी अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है यानी बराबर होता है। और जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, वो 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक दूरी जो होगा 5 होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी क्या होगा, 2 ही होगा। समझ में आया? तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट वाले बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो क्या, ए बी इक्वल टू सी डी और AD इक्वल टू और एंड एंड AD इक्वल टू BC। चलिए एक फिगर मैं आप लोगों को देता हूं, इस पॉइंट दो पॉइंट्स हो गए ना, अब इसको मिटाता हूं और एक फिगर देता हूं आप लोग, इसको बताएंगे बताएंगे कौन किसके इक्वल है। जैसे मैं ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, ये आपका P है, Q है, R है, S है। चलिए बताइए कौन किसके इक्वल है इसमें, P Q R S में, बताइए कौन किसके इक्वल है। ट्राई कीजिए, हो गया। देख ये एक साइड है, इसके अपोजिट में कौन साइड है, ये वाला साइड, इसके अपोजिट ये होता है और इसके अपोजिट ये होता है, फिर इसके अपोजिट इसके, तो पी क्यू के इक्वल होगा एस आर, या आर एस बोलो, पी क्यू बराबर आर एस बोलो या एस आर बोलो, वही है। फिर पी एस का भी इक्वल होगा लेकिन आमने सामने वाले भुजाएं रेक्टेंगल में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब पॉइंट्स हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा इसका, इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड एंड 4
स्क्वायर, एक साइड ये साइड का रहेगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये कॉर्नर ए, ये दूसरा कॉर्नर बी, ये तीसरा कॉर्नर सी, ये चौथा कॉर्नर डी। समझो ध्यान से, स्क्वायर में कितने साइड है, एक दो तीन चार। जैसे हमारे रेक्टेंगल में फोर साइड होता है, वैसे ही हमारे स्क्वायर में भी फोर साइड होता है। समझ में आया, रेक्टेंगल में फोर साइड होता है, वैसे ही हमारे स्क्वायर में भी फोर साइड होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं अंतर, अंतर ये होते हैं कि इसमें सारे भुजा जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सारे भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में हमने देखा था कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, ये देखे थे ना। लेकिन स्क्वायर में सब बराबर होता है। जैसे अगर मानो कि अगर ये साइड इसका 5 सेंटीमीटर है तो सारे 5-5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। समझ में आया, अगर स्क्वायर में एक साइड अगर 5 है तो सारे साइड क्या होते हैं, 5 होते हैं। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में यही अंतर है, तो सबका सब इक्वल है। चार वर्टिसेस उसमें भी होते हैं, चार कोना भी होता है उसमें, इसमें भी चार होते हैं, चार साइड्स होते हैं, फोर साइड्स इसमें भी होते हैं, फोर साइड्स उसमें भी होते हैं। लेकिन उसमें अपोजिट साइड आमने सामने वाले भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सारे भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बस यही एक अंतर होता है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा स्क्वायर का, पहले तो स्क्वायर लिखो एस क्यू यू ए आर ई। स्क्वायर का मतलब होता है बर्ग, स्क्वायर का क्या होता है बर्ग। इसमें पहला पॉइंट होगा आपका स्क्वायर है, फोर साइड्स। कितने साइड्स होते हैं एंड फोर एंगल्स। इसमें साइड भी फोर होता है, एंगल भी फोर है, दूसरे एंगल ये, दूसरे एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये, एंगल भी चार होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल ऑफ इट्स साइड ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट इट इज फोर कर्व। हां ये वाला बस समझिए, ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी एक साइड अगर 5 है तो सारे साइड 5, यानी ए बी जितना होगा उतना ही हमारा क्या होगा, बी सी होगा, उतना ही हमारा सी डी होगा, उतना ही हमारा डी ई होगा। यानी सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी के बराबर बी सी होगा, ए बी के बराबर सी डी होगा, ए बी के बराबर डी ई होगा। यानी सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ए बी अगर 2 है तो बी सी भी क्या होगा आपका, 2 ही होगा। सी डी भी बराबर है तो 2 ही होगा, डी ए भी बराबर है तो 2 ही होगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इट हैज फोर कॉर्नर्स। इसमें चार कर्नल या वर्टिसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। नेक्स्ट एक किसके क्वेश्चंस में आपको देता हूँ, थोड़ा सा बता के बताइए। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, सपोज कर कि ये स्क्वायर है, ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है, ये एस है, और ये इसका ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो आप हमें बताइए कि पीएस कितना होगा, पीएस का मतलब वाट सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है, ठीक है, क्यूआर जो है 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए पीएस जो होगा वो कितना होगा, बोलिए। पीएस, पीएस भी क्या होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्यों
क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल होते हैं, अगर ये चार है तो ये चार है, PQ कितना होगा, यानी ये वाला साइड फोर ही होगा, क्यों, क्योंकि सारे साइड क्या होते हैं इक्वल, SR कितना होगा वो भी फोर ही होगा, समझ में आ गया है, अगर एक साइड अगर आपका मिल गया तो सारे साइड्स निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सर्कल, सर्कल मुझे अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा किसी सिक्का से पैसा वगैरह से आप उससे बनाने का प्रयास कीजिएगा। सर्कल, सर्कल का मतलब होता है ब्रीथ, यानी ठीक है सब रिलेटेड। इसमें क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं, देखो इसमें कोई साइड दिख रहा है, एक ही चीज है राउंड अप किया है, कोई साइड्स नहीं दिख रहा, इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, इसमें होता है इस सर्कल है जो नो साइड, नो साइड्स और कर्व्स, इसमें ना साइड होता है ना भुजा होता है ना ही कोण होता है, मान लो कि अगर साइड ऐसे जाता तब ना जाकर कॉर्नर बनता, बोले अगर दो साइड होता तब ना जाकर कॉर्नर बनता, यहाँ साइड है नहीं रिसर्कुलेटेड है, तो सर्कल में क्या होता है ना साइड होता है ना ही कॉर्नर होता है, और जब कॉर्नर नहीं है तो वर्टिसेस भी नहीं होंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट ओवल, ओवल जो होता है वो अंडाकार शेप का होता है, बाबू ओवल अंडाकार शेप का होता है, ओवल होगा अंडाकार शेप का होगा, एक अंडाकार आकृति का, इसमें क्या होता है एन ओवल हैज नो साइड्स, इसमें भी सेम होता है नो साइड्स और कॉर्नर्स, समझ में, जब कॉर्नर नहीं है तो वर्टिसेस भी नहीं होंगे, तो ये दोनों सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कम में अंतर ये होता है, पूरा सर्कुलेटेड होता है, गोल टाइप का होता है एक सर्कल, लेकिन ये पूरे सर्कुलेटेड नहीं होता है, ये अंडा आकार का होता है और ये सर्कुलेटेड, जैसे हमारी अर्थ जो है वो ओवल है, सर्कुलेटेड नहीं, हम बोलते हैं राउंड गोल, तो पृथ्वी जो है वो राउंड नहीं है, वो ओवल का है, यानी अंडा आकार का नुमा है, अंडा का नुमा है, ऊपर और नीचे पतला है और बीच में क्या है थोड़ा सा अंडा जैसा एकदम सिंपल चौड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोपर्टीज ऑफ 2D शेप्स देखें, इसका नेक्स्ट एग्जाम हम लोग मिलेंगे, इसके आगे करेंगे, ठीक है ना, अभी इंट्रोडक्शन से क्लास चल रहा है बच्चों, ये एक कॉपी पे अच्छे से लिखते चले जाओ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग, ठीक है ना। आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, बनेगा जरूर बने, बिल्कुल बनाइएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, जैसे मानो कि 9.3 का ये 9. एक्सरसाइज 9.3 का है, इंट्रोडक्शन क्लास का है, किसका 9.3 का है, और आप लोग बनाइए घर पे, ये नहीं कि बैठे टाइम पास कीजिएगा और इसको याद नहीं रखेगी, बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे।